सुमन कर ले परमात्मा का, छोटे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो कहने लगा ठीक है मम्मी तो कर लूँगा मैं, तो कपड़े धो ले। तो मैं तो ये कहकर ना बस ये सोचने लगी परमात्मा के ख्यालों में खोगी, मैं करती रही तो थोड़ा सा पानी रह गया था सले में। मैं कहने लगी कि चल थोड़ा सा और लगी कपड़े और धो दूँगी। जिस तरह मैं खड़ी हुई ना तो जैसे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी टांग पकड़ खींच दी, सी दी इस तरह। ये पता नहीं क्या हुआ, बस मैं इस तरह दीवार पर हाथ रगड़ कर रख के ना मैं रपटती चली गई जब, तो इस तरह धड़के पल बैठ गई मैं। और इतनी जितनी मेरी मोटी उंगली है ना, इतनी मोटी कंकड़ मेरे हाथ में घुस गई थी। हाँ वो मैंने निकाली तो एक खून भी नहीं निकला, इतना गहरा खड्डा हुआ, ये मांस फटा हुआ है। अरे यहाँ मेरी कमर में चोट लगी हुई है, तो वहाँ तो मुझे महसूस हुआ नहीं, खून नहीं निकला एक बूंद बिल्कुल भी। वहाँ से नीचे आने के बाद हमारी रसोई आई जो तो अपने गैलरी, वहाँ बैठी मैं, तो वहाँ मैं पकड़ के बैठ गई। मेरा सिर इतना बड़ा हो गया, मुझे महसूस होना जैसे मैं सिर पर कुछ आकर बैठ गया, इतना भारी सिर हो गया कि जिस तरह मुझे कोई खींच रहा है ऊपर को। तो मैं कह लगी मगर लड़की का नाम सीखा, मैं कह लगी सीखा मुझे क्या हो रहा पता नहीं, मैं रोने लगी बहुत जोर से, सिर इस तरह हो गया इस तरह मेरा सिर फटेगा। मैंने इस तरह वो पकड़ ली, जमीन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी मैं, तो जोर लगा रही नीचे को, और ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई खींच रहा है ऊपर से, जिस तरह लोहे के चुंबक होता है इस तरह। तो मैं बहुत जोर से रोने लगी, लड़की कह लगी मम्मी क्या हुआ क्या उसको करने लगी। मैं कह ली पता नहीं क्या हो रहा, तो मेरे बस एक ही नाम याद आया, वह बंदी छोड़ मुझे इस तरह कहते कि साथ ही मैं नीचे बैठ गई, मैं बेहोश हो गई, मुझे दिखना बंद हो गया, बोलना ही बंद हो गया और मुझे सुनना ही बंद हो गया। मेरे चारों तरफ इंदर रोग, मुझे नहीं पता मैं क्या मैं पड़ी कहाँ, मुझे तो बाद में लड़की ने बताया। उसके बाद चार थे जिस तरह पहलवान नहीं होते अखाड़े के, इस तरह चार खड़े थे बहुत तगड़े तगड़े पहलवान थे। उनका काला तो चेहरा था, छोटी छोटी आँख थी, वो अच्छा माथा था उनका, बहुत ही लंबे थे, बहुत लंबी लंबी टांग थी उनकी। मैं क्या बताऊँ, उनके सामने पहलवान भी हल्के हैं, इस तरह खबे थे उनके। हाँ तो वे कहने लगे तेरी सांस पूरी होगी तू चल हमारे साथ। मैं एकदम पीछे भी इस तरह होगी, और वे इतने लंबे थे, मैं इस तरह खड़ी होकर बात कर रही थी। मैं कहने लगी मैं तो नहीं जाने की आपके साथ। कहने लगे नहीं तेरे सांस पूरे होगी तू चलना पड़ेगा। मैं कह नहीं मेरे तो परमात्मा आएंगे लेना, बस इतना ही कहा था, इतने मैं कहते ही परमात्मा ने मेरे कंधे पार कर दिए। रामपाल जी महाराज कि आप इसे इनको तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो, सांस तो पूरे हो गए भी जान ये चमर सा जाएगी, तो मेरी बेटी है इसका तो पहले से ही रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है परमात्मा के, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो, परमात्मा ने मेरे इस तरह इनको तुम ले जा नहीं सकते। इतना सुनते हैं कि साथ ही उन्होंने ये प्रणाम करा, उन्होंने तो चले गए उठ के भी पता नहीं कहाँ चले गए। फिर परमात्मा मुझे ऊपर ले गई, वहाँ इस तरह सबसे सफेद बादल थे बहुत अच्छे उठते हुए आसमान में ले गए मुझे। हर एक जगह एक वो है मकान सा नहीं होता, बहुत ही बड़ा गेट है, वो गेट था बंद, उस गेट में किरणें निकल रही थी। ये मैं क्या बताऊँ, बस वो गेट भी आपके चेहरे में भी दिखाई दे रहा मुझे, मैं जिस चीज़ को देखते रहूँ वहाँ आने के बाद वो मुझे चीज़ दिखाई देती है, जी नहीं लग रहा मेरे वहाँ आने के बाद बिल्कुल भी। और वो परमात्मा कह लगी परमात्मा ये गेट बंद क्यों हुआ, ये क्या गेट अभी नहीं खुलेगा, जब एंट्री होगी जब खुलेगा। मैं कहने लगी तो उसके बराबर में ही एक बहुत बड़ा घर सा है, बहुत ही बड़ा, मैं आपको बताने देती हूँ घर यहाँ कहीं है नहीं, मगर उसमें सुंदर सुंदर आत्मा थी सफ़ेद बुरखे पहने हुए, और इतनी सुंदर थी वे पतली पतली थी, लंबे लंबे तो बाल थे उनके, उनके हाथ में से चेहरे में से किरणें निकल रही थी। मैंने अपने हाथ को देखा तो मेरे हाथ से निकल रहा, उनके किरणें निकल रही थी। और जिस में मेरी मौत हुई थी ना वही कपड़े मैंने यही सोल ओढ़ रखा था, और मैंने कहा मेरे तो कपड़े ऐसे नहीं है, किस तरह परमात्मा ने बताया कि तेरा तेरी भक्ति पूरी नहीं हुई, अभी तेरा समय है, अब तेरे सांस नहीं तक के, तो परमात्मा जी अपने कोटे से ही भक्ति के लिए दे जिंदगी। जय हो बंदी छोर, सत्संग बंदी छोर, सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, जय हो। एक बात और याद रखना बेटी, तुझे एक सेवा और दे रखी है, 5 बच्चे हैं परमात्मा के, उन्हें समय समय पर जिस तरह अपनी मर्जी से करा उन्हें सुमन करवाना, सबके गुलाम मिला हुआ परमात्मा का। और मेरे बंदी छोड़ना बस ये आशा होने से पहले ही जो मेरा हैजबैंड है उसे भी सेंटर में ला दिया, बहुत दर्द है, 2-2.5 दिन हो गए। अब वो पीने वालों को भी कह देते हैं कि मेरे पास मालिक ने ये नहीं देता, उन्हें तो पता जो मेरे घर का हाल था, बस अब मेरे लड़का था सपने में उसका भी नाम शुद्ध कर दिया मालिक ने,
अब वो भी सेंटर में आ गया यार कि धीरे धीरे अब बच्चे मेरे कहने से पहले ही माला लेकर बैठ जाते हैं। हाँ जब वहाँ पे वो था मिठाई थी सफ़ेद रंग की, सब तरह की मिठाई थी पर सबका रंग सफ़ेद। एक परमात्मा ने बस इस तरह भाव पकड़ रही थी मेरा खड़की थी तो परमात्मा ने इस तरह हाथ करा था। वो एक थाल उड़ता हुआ वो आया बहुत बड़ा, उसमें थे मोती चूर के लड्डू इतने मोटे। मैं और जैसे यहाँ पे दुकान पे भी गई थी मैं मूँगफली ने बच्चों के लिए अभी उससे दो तीन दिन बाद, तो वहाँ पर मिठाई देखी कहने लगा क्या देख रही दुकान में, मैं कुछ देख रही थी पर मुझे दिखाई नहीं दे रही और लड्डू देख रही थी मोती चूर का था लाल कलर के वाइट थे वहाँ पे। जिस तरह मिश्री नहीं होती मोटी इस तरह मोती चूर लगा हुआ था उस पर सफेद इतने मोटे दाने थे उसके। एक लड्डू खुवा दिया था परमात्मा ने वो लड्डू खा ले बैठे थे सब। और बताना जब को कि तेरे साथ क्या हुआ है, भक्ति करना बस भक्ति में ध्यान लगा तेरी इस परमात्मा ने इतने लंबे हो गए थे परमात्मा आशीर्वाद दिया इस तरह करके सफ़ेद कुर्ता पजामा था काले जैकेट थी उनकी, उन्होंने कहा तेरा पूरा परिवार पार उतरे। बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा ने वहाँ उसके बाद पनगत तू जाओ तो भक्ति करना बच्चों को बताना, वहाँ से परमात्मा मेरी छोटी ज्योति का रूप बना था परमात्मा, और इस तरह आशीर्वाद देकर मेरे शरीर के अंदर मुझे डाला। जब दिखाई दिया था मुझे शरीर में मैं इस तरह ही बैठी थी और जब मेरी आत्मा उसके अंदर घुसी और तो मुझे कम से कम एक घंटे के बाद मेरा सांस लड़ा था। मेरी लड़की चरणामृत लिए खड़ी थी मैं वो चरणामृत जब तक चरणामृत भी नहीं गया मेरे मुंह में जब तक मेरी आत्मा अंदर नहीं आई। वो लड़की ने एकदम वो काल का इतना जोर था चरणामृत जिस तरह वो पानी वो चरणामृत प्यारी थी ना कोई उसका हाथ पीछे कर देता इस तरह। तू दे मत इसे चरणामृत। लड़की बता रही थी कि मम्मी मैं जब तुम्हें चरणामृत पिला रही थी ना तो कोई हाथ को मेरे इस तरह पकड़े कर दे पीछे भी चरणामृत पिला रही थी। और परमात्मा ने उसे इस प्रेरणा कर रखी थी कि तू रोई मत तो कुछ मत कहवे। और मैं भी ये कहने वाली थी कि पूरा घर भर गया था मेरा सब कहने लगे तो मर गई है तो इसे क्या हो गया वो डर के तो मेरी सास कहने लगी सत्संग में जाती है ऐसा करती है जब से करेगी तो भूत प्रेत बढ़ गया इसका तो ऐसी है सब ऐसे हो जाता है। उल्टा रिएक्शन हो गया। अरे जब लड़की ने चरण खिलाया मुझे तो मेरे शरीर में इस तरह कंट नहीं लगता इस तरह चलना टस उठा शरीर में। फिर मैं इतनी रोई फूट फूट के इतनी रोई फूट फूट के मैं आपको क्या बताऊँ बस मुझे वहाँ बच्चे भी इस तरह लग लगने जब तू कहाँ आ। जब मैंने अगले दिन फिर मैं आई जब मैंने जोत लगाने के लिए जा जोत लगा उसमें तो मेरी लड़की कह लगी मेरे हाथ में चोट लगी जोत तो जोत मैंने जिस तरह जोत लगाने से पहले ही मैंने दंडवत करा उसी रूप में परमात्मा मुझे धरती में दिखाई दिए वही इस तरह से। बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अगले दिन मैं फिर इस दिन के घर पे गई आना तो मुझसे दिन जा रही थी अगले दिन के इनके घर पे गई। वहाँ जाने के बाद ये मुझसे बात कर रही थी पर इनकी बात तो मेरा ध्यान नहीं था मुझे इनके चेहरे में परमात्मा दिखाई दे रहे थे। ये कहने लगी पता नहीं तो कोई कोई सी होती है लोग मेरे हाथ नीले पड़ गए थे क्या बताऊँ मेरा खून ही नहीं था मेरे हाथ इतने ठंडे हो गए थे जिस तरह बर्फ होता है। डॉक्टर पर मेरा आदमी घर पर नहीं था वे गए थे रात की ड्यूटी में बुलाया था तो मेरा देवर कहने लगा इसकी जबाड़ी जुबड़ी बिछ गई है इसलिए कुछ हो गया। और लड़की कह लड़की मुस्कुरा रही थी इसके कुछ ना कुछ हुआ है परमात्मा है इसकी कहना ये कुछ बिलो बल्कि मेरे लड़के ने रुके मचा दी बाहर जाके कि मम्मी मर गई मम्मी मर गई बहन। कितने दिन तक रहे आप सब लोग कितने आधे घंटे तक घूम जी वो गेट तो बंद था उसमें किरणें उठ रही थी परमात्मा कहने लगा जिसमें एंट्री होगी गेट जब खुलेगा बस परमात्मा ने आत्मा देखी वहाँ पे और मोती चूर का लड्डू खिलवाया था मुझे परमात्मा सफेद रंग का। जय हो बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। पहले कहते हैं ना जिस पे बीतता उसे ही पता रहे बिल्कुल इंटरव्यू सुना करती ना तो विश्वास ही था तो मैं कह करती जब मैंने कह करती परमा जब मेरे कोई मेरे पे बीतेगी ना जब मेरे साथ होगा मैं जब जाऊँगी। और उस दिन से मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा मेरा मैं बल्बों की रोशनी देखती हूँ ना किसी देखती हूँ मैं मुझे वो रोशनी नहीं दिखाई देती यहाँ पर किसी ना मुझे वो जो आत्मा का रूप था वो औरतों को देखती अपने आप को देखती वो दिखाई नहीं देता जो मनोहरी रूप था जो रोशनी थी उनके चेहरे पर
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो परमेश्वर। जेल में कुछ नहीं है, परमात्मा ना परमात्मा हाँ जी नहीं परमात्मा कहीं ना गए।